हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्या क्या होती है, कंपनी रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता दिया है, किस तरह से नेम अप्रूवल कराना है, फॉर्म क्या क्या किस तरह से फाइल करना है, पूरा स्टेप्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। उसके अलावा और भी काफी वीडियोज हैं जीएसटी इनकम टैक्स को लेकर, वो भी सारी वीडियोज आप चाहें तो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर काफी अलग अलग ऑब्जेक्ट को और यहाँ पर पॉइंट्स को कवर किया गया है, तो आप चाहें तो सारी वीडियो एक बार देख सकते हैं, ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने एक जो है डॉक्यूमेंट बनाया है, इसमें सारे रिक्वायरमेंट्स मैंने लिखी हुई हैं, तो वही वन बाई वन हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये है आपकी जो है कंपनी के लिए, कंपनी रजिस्टर कराने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट आती है वो आती है रजिस्ट्रेशन ऑन MCA पोर्टल। तो आप इसको सबसे पहले अपने नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू जो है, जैसे किसी भी सोशल वेबसाइट पर आप लॉगिन क्रिएट करते हैं या इनकम टैक्स में बनाते हैं, उसी तरह से आप जो है MCA के पोर्टल पर www.mca.gov.in पर जाना है। वहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन बना लेना है। एक चीज का ध्यान रखना है, DSC वाला रजिस्ट्रेशन नहीं बनाना है, नॉर्मल रजिस्टर्ड यूजर के थ्रू आपको रजिस्टर करना है बिना DSC का यूज किए हुए, ठीक है, वरना बार बार फिर आपको DSC लगाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है नेम अप्रूवल का, कि आपको जो है अपनी कंपनी के लिए एक नेम पहले जो है सेलेक्ट कर लेना है, उस नेम का आपको अप्रूवल कराना है, ठीक है। उसके लिए फॉर्म होता है SPICE-A, ये वाला जो फॉर्म है मैं आपको बता देता हूँ, हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये फॉर्म जो है आपको MCA की साइट पर ही फिल करना होता है, और इसकी जो है एक माइनर सी पेमेंट होती है 1000 रुपीज की, वो आपको पे करनी होती है। एक पॉइंट आता है कि आप इस नेम अप्रूवल फॉर्म के साथ साथ ही पूरा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस भी साथ के साथ ही कर सकते हैं, बट तब आप वो तभी कर पाएंगे जब आपको पूरा 100% श्योर हो कि जो नेम आप सोच रहे हैं, नेम आप एंटर कर रहे हैं, वो आपको 100% कंफर्म मिल जाएगा। इससे पहले मैंने दो चीजों का यहाँ पर जिक्र किया अपनी वीडियो में, आप जाकर चैनल पर देखिएगा, वहां पर मैंने बताया कि आपको MCA की साइट पर पहले ऑलरेडी नेम चेक कर लेना है, जो आप नेम सोच रहे हैं वो कहीं दूसरी कंपनी सिमिलर या फिर कोई इंसिडेंटल में कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। दूसरा, आपको जो है आईपी इंडिया ऑनलाइन की जो वेबसाइट है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने की, वो वहां पर जाके आपको अपना जो आपने नेम सोचा है उसको एक बार चेक कर लेना है कि वो ट्रेडमार्क की साइट पर कहीं रजिस्टर्ड ना हो। तो ये दो पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, दोनों वेबसाइट पर जाकर नेम के लिए पहले चेक कर लेना है। पर जहां पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है कि मुझे नेम मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है नेम रिजेक्ट आ जाए या फिर नेम का जो है रिसबमिशन आ जाए, तो उस केस में आप क्या करिएगा, पहले SPICE-A फॉर्म के थ्रू जो है आप अपना नेम अप्रूव करवा लीजिए। नेम रिजर्व होने के बाद वहीं से ही उसी एप्लीकेशन के अंदर से ही आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस हमें स्टार्ट करना होता है, उसका जो फॉर्म है वो है SPICE-B। ये मैंने ऑलरेडी वेबसाइट पर इसको पूरा 100% बताया है कि किस तरह से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में लगाने हैं, क्या अपलोड करने हैं, ये दोनों फॉर्म की वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो हमारी आती है वो आती है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर, कि हमारी जो कंपनी होगी उसमें कितने डायरेक्टर होंगे और उसमें कितने सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है। ये दोनों आपको डिसाइड कर लेना है, क्योंकि दोनों के लिए ही आपको उनके KYC की रिक्वायरमेंट होगी। KYC में मिनिमम जैसे KYC रिक्वायरमेंट होते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट साइज, जो पासपोर्ट होता है उसकी कॉपी, या फिर उसके अलावा जो है इसमें बैंक की जो स्टेटमेंट है वो एड्रेस प्रूफ के लिए चल जाती है, और कोई भी यूटिलिटी का बिल जो कि आपके नाम से हो। तो जो है अगला स्टेप जो है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, या फिर डॉक्यूमेंट्स भी कह सकते हैं हम KYC का। तो ये KYC जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि आपका सभी जगह पे नेम सिमिलर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सिमिलर होना चाहिए, और जो एड्रेस है वो सिमिलर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो रिजेक्शन के चांस काफी कम होंगे, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर दोबारा से आपको उसका रिसबमिशन एंटर करना होगा। तो ये जो है बेटर है कि आप जो है एक बार में ही इसको अच्छे तरह से फाइल करें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में जैसे कि ये तो मैंने आपको बता दिया है, अब आता है रजिस्टर्ड ऑफिस, कि आप जहां पर अपनी कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं उसके लिए आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस की रिक्वायरमेंट होगी। इसको आप रजिस्टर्ड एड्रेस, जहां पर आपके बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे, GST के जो रजिस्ट्रेशन होगा वो उसके बेस पर ही होगा। तो आपको एक ऐसा ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है जिसमें जो उसका यूटिलिटी बिल अवेलेबल हो। यूटिलिटी बिल में आपका केवल तीन चीजें अप्रूव्ड हुआ है, कि एक तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, या फिर टेलीफोन का बिल, या उसके अलावा जो है कोई ऐसा कनेक्शन जो कि गवर्नमेंट का हो, जो टेलीफोन का या मोबाइल का कनेक्शन है वो भी गवर्नमेंट वाला ही चलेगा। जैसे मान अगर
टेलीकॉम लिमिटेड का हो या फिर जो है BSNL का हो, तो वो वाले ही यहाँ पर केवल अप्रूव्ड है। अदरवाइज अगर आप प्राइवेट किसी कंपनी का लगाते हैं तो वो शायद एक्सेप्टेबल ना हो। हम जो है पहले ही ये चीजें ध्यान में रखते हुए हम हमेशा जो है वो यूज करते हैं गवर्नमेंट यूटिलिटी का बिल। तो रजिस्टर्ड ऑफिस आपको एक सेलेक्ट कर लेना है, इसी के बेस पर ये आपको कंफर्म भी हो जाएगा कि आपको किस स्टेट में अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना है, क्योंकि जिस जहां का भी आप रजिस्टर ऑफिस चूज करेंगे उसी के ही ROC के पास, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है वो अलग अलग स्टेट के अलग अलग दिए गए हैं। कहीं कहीं पर ऐसा भी है जैसे कुछ UTs हैं स्टेट कॉमन बना के, उनमें दोनों में जो है एक ही ROC को रखा गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली और हरियाणा के लिए सिंगल ROC ही दोनों का, जो अगर एड्रेस आपका दिल्ली हरियाणा में बिलोंग करता है तो फिर वो आपको सेम ROC पे जाएगा। बाकी जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, वहां पे अलग ROC है, तो इस तरह से अलग अलग स्टेट के अलग अलग ROC है, ठीक है। फिर आता है 7 नंबर पे, आपको अपनी कंपनी के ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट क्या है कि आपकी जो कंपनी है वो किस तरह से वर्क करेगी, यहाँ पर एनीथिंग एल्स सब कुछ कवर है कि आपकी जो कंपनी होगी वो उसका नेचर क्या होगा, क्योंकि मैंने आप टाइप ऑफ कंपनीज भी बताए थे और कैटेगरी ऑफ कंपनी भी बताई थी। सभी का प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का तो सेम है, बट लेकिन सभी के ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग होंगे। तो आपको जो है 4 से 5 मेन ऑब्जेक्ट अपने रख लेना है एक बार आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट होता है इसमें जो फीस है वो भी काफी ज्यादा जाती है। अगर आप इसको बाद में अल्टर करते हैं, अल्टरेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का करते हैं, कि जो मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो MOA के अंदर में लिखे जाते हैं। कंपनी का जो 2 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दोनों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, दोनों को अल्टर किया जा सकता है। बट बाद में इसमें काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जो नेम आपने एक बार रजिस्टर करा लिया, सपोज कीजिए आपने जो है XYZ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड करा है, अब वो ट्रेडिंग आपका नाम हो गया, पर आपका जो नाम है वो आपके ऑब्जेक्ट से मिलता जुलता होना जरूरी है। अगर वो नाम से मिलता जुलता आपके ऑब्जेक्ट्स नहीं है या फिर ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपका नाम नहीं है तो ये अप्रूवल नहीं होगा, फिर इसमें जो है रिजेक्शन के रिसबमिशन के चांस काफी बढ़ जाएंगे। तो ये आप चीज का ध्यान रखिएगा जब आप इसको सबमिट करें, तो मेन ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही नेम रखें और ऑब्जेक्ट्स इस तरह से सेलेक्ट कर ले कि बार बार आपको चेंज कराने की रिक्वायरमेंट ना रहे। 4 से 5 लेकर मेन ऑब्जेक्ट्स, 4 या 5 मेन ऑब्जेक्ट ऐसे रख लीजिए जो आपके कंपनी में ऑलरेडी सारी आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर कोई भी एनी थिंग एल्स कुछ भी काम करना चाहते हैं वो सारे इनके अंडर में कवर हो जाए, ठीक है। जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA। इसके अंदर आपको जो है जितनी भी इसमें क्लोज आती है, पहली बात तो मैंने बताया था कि ऑनलाइन जब आप फाइल करेंगे तो MOA आपको वहीं पे फिल करना होगा। इसी के अंडर में आपको जो डायरेक्टर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी डिटेल्स एंटर करनी होगी, कितने आप अलॉटमेंट कर रहे हैं, शेयर कैपिटल क्या होगी, आपकी शेयर कैपिटल ऑथराइज कितनी होगी, सब्सक्राइब कितनी होगी उसमें से। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, इसमें जो भी क्लोज है वहां पर ऑलरेडी क्लोज आती है, क्लोज को आप एडिट कीजिए। अगर आपको कोई चेंज करना है तो वो चेंज करने के बाद ही सबमिशन कीजिएगा, क्योंकि बार बार अल्टर कराने से प्रॉब्लम आती है। कंपनी में डॉक्यूमेंट्स एक बार फाइल हो जाते हैं ROC की साइट पर, कोई भी चेक कर सकता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी इनको देख सकता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा कि जब आप कंपनी रजिस्टर करा रहे हो तो आप जो है MOA और AOA दोनों में जो भी क्लोज लिखी हुआ है एक बार उनको ध्यान से पढ़े। उसमें एडिट का ऑप्शन होता है, उसको एडिट कर लें। अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लें। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो गवर्न होता है MOA के थ्रू ही। ये दोनों कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी क्लोज लिखी हुई होती है कि आपकी कंपनी किस तरह से रन होगी। एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, जब आप MOA बना रहे हो तो उसमें जो है मेन ऑब्जेक्ट के साथ साथ कुछ अलाइड ऑब्जेक्ट्स भी आपको देने होते हैं, वो आप जितने चाहे उतने दे सकते हैं। वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो अभी आप नहीं कर रहे हैं बाद में करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें मेंशन जरूर कीजिएगा। दोनों डॉक्यूमेंट्स है, दोनों डॉक्यूमेंट्स की क्लोज को पूरा अच्छे से रीड कीजिएगा। इसमें डायरेक्टर की डिटेल, सब्सक्राइबर की डिटेल करेक्ट डालनी है, कहीं ऐसा ना हो कुछ इसमें गड़बड़ हो जाए, फिर आपकी जो डिटेल्स है वो भी सारी गलत ही होंगी, ठीक है। फिर आता है पॉइंट नंबर 10 में एजाइल फॉर्म। ये एजाइल फॉर्म जो है लेटेस्ट नए प्रोसेस में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके थ्रू GST, ESI, PF और आपका जो बैंक है वो सारी चीजें इसके अंडर ही प्रोवाइड हो जाती है। इसमें एक चीज का मैं जिक्र करूंगा, जो GST है वो मैंडेटरी नहीं है। मतलब अगर आप कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं तो आप अपने GST के रजिस्ट्रेशन को यस और नो करके सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये तीनों चीजें तो मैंडेटरी हैं, इनके बिना तो फॉर्म फाइल नहीं होगा। तो जो GST का रजिस्ट्रेशन है वो आप अलग से करें, क्योंकि ऐसा होता है कि दोनों के डिपार्टमेंट अलग अलग है। आपने कंपनी में कंपनी बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए,
उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ इसमें ऐसी डॉक्यूमेंट्स है जो कि जैसे किसी डायरेक्टर को ऑथराइज नहीं किया आपने, ऑथराइजेशन का लेटर लगाना होता है, तो जीएसटी के थोड़े क्लोज डिफरेंट है। तो इसके वजह से क्या होगा कि पहले कंपनी इनकॉर्पोरेशन के पेपर आरओसी के पास जाएंगे, उसके बाद वो जीएसटी डिपार्टमेंट में जाएंगे। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट आपके जीएसटी नंबर को अप्रूव नहीं करता है तो फिर आपकी कंपनी भी अप्रूव नहीं होगी, और इसका रिजेक्शन या इसका रिसबमिशन के साथ साथ ही कंपनी की 1 बार की 1 बार की लिमिट होती है, तो इसमें आप फंस जाएंगे, आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, ऑलरेडी टाइम इन्वेस्ट ज्यादा हो जाएगा। तो पहले कंपनी में आरओसी के थ्रू कंपनी का अप्रूव करवाइए, जब कंपनी का आपके पास पैन आ जाए, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ जाए, उसके बाद जीएसटी की वेबसाइट पर जाकर अलग से कर लीजिए, कम से कम कंपनी तो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये ऐसा ना हो कि जीएसटी लेने के चक्कर में जो है कंपनी भी आपकी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा जरूर, इसमें काफी और भी मैं चीजें बताने वाला हूँ, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगी। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिसकी वजह से आपका जो काम करने का जो प्रोसेस है वो इजी हो जाता है थोड़ा सा। काम तो आप कर ही रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में बता दिया प्रोसेस किस तरह से करना है। वीडियो को पूरा आप एक बार अच्छे से देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर पाएंगे। अगला है कि डिन फॉर डायरेक्टर्स। ये डिन नंबर अगर आपके पास ऑलरेडी है, जितने भी आपके डायरेक्टर्स होंगे सबके डिन नंबर जरूरी होते हैं, अगर ऑलरेडी है तो आप मेंशन कर दीजिए, नहीं है तो आप जो है अप्लाइड फॉर करके इसको स्पाइस जो फॉर्म होते हैं उनके थ्रू ही आप इसको भी, जितने भी आपके डायरेक्टर्स हैं उनको ही डिन अलॉट हो जाएंगे। इसकी फीस होती है पर डिन की, जो फीस होती है वो 500 होती है, जितने आपके नंबर ऑफ डायरेक्टर होंगे उसके हिसाब से यहाँ पर फीस ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। अगर ऑलरेडी डिन है तो इसकी फीस जो है आपकी इंक्लूड होके नहीं आएगी। तो डिन वाला पॉइंट हो गया कि ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको जब कंपनी का अप्लाई कर रहे होंगे तब भी आप इसको साथ में अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 12, वो है डिजिटल सिग्नेचर का। तो आजकल जो है क्लास 3 के डिजिटल सिग्नेचर्स बनते हैं, इनके बिना जो है कंपनी आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे पहले आपको कर लेना है, जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं या जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके सभी के डीएससी डिजिटल सिग्नेचर आपको बनवा लेने हैं। डिजिटल सिग्नेचर एक बार बन जाते हैं वो 1 साल वाले भी होते हैं, 2 साल के लिए भी वैलिड होते हैं, इनकी वैलिडिटी होती है। तो आप जितनी ज्यादा वैलिडिटी के साथ बनवाएंगे उतना ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है। थर्ड में आपने सारी फॉर्म प्रॉपर तरीके से फाइल कर लिया, सब कुछ आपके पास आपने अपलोड कर दिया, उसके बाद जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कंपनी का, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये मेन डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का एमओए एओए के बाद। यहाँ पर भी आप अगर बैंक में जाएंगे या किसी भी टेंडर के अपलोड करेंगे तो आपको सीओआई अपलोड करना होगा। तो जब ये आपकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपने अपलोड कर दिया अच्छे से, कंपनी अप्रूव होगी, ये सीओआई आपको आपकी मेल पर मिलेगा, इसको आपको डाउनलोड करके और प्रिंट आउट लेके एक फाइल में लगा लेना है। इसके साथ एमओए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दोनों को आपको जो है एक साथ मंच करके एक प्रॉपर फाइल में आपको उसको लगा लेना है। उसके बाद आता है बैंक अकाउंट ओपनिंग। तो जो भी फॉर्म में आपने बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया है उसका आपके जो एड्रेस है उसके नियर बाई ब्रांच में आपका जो है ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट अलॉट हो जाएगा। यहाँ पर आप जाइए बैंक में, अकाउंट नंबर को कंफर्म कर लीजिए एक बार कि आपका जो बैंक अकाउंट है वहां पे ओपन हुआ है, उसकी जो डिटेल्स है वो वेरीफाई कर लीजिए, उसमें जो ऑथराइज सिग्नेटरी है वो एक बार वेरीफाई कर लीजिए। ये पोर्टल के थ्रू क्या होता है कि जब आप अपलोड करते हैं तो जिस भी डायरेक्टर को आप ऑथराइजेशन देते हैं जिसके भी थ्रू ये फॉर्म फाइल होता है वो ऑटोमेटिकली सिंगल उसमें ऑप्शन आता है कि आप किसको ऑथराइज करना चाहते हैं ऑथराइजेशन लेटर लगा के। तो बैंक में भी वही चीजें होती है, बाद में आपको चेंज करना है तो बैंक अकाउंट जाकर आप इसको चेक कर लीजिए। तो बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट तो ऑटोमेटिकली अब आने लगा, तो बैंक अकाउंट ओपनिंग कराना भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता था पहले। तो बैंक आप करा लेंगे ओपन, उसके बाद आता है शेयर अलॉटमेंट का स्टेप। यहां तक कंपनी बनने के बाद इसके आगे कोई भी स्टेप आगे करता नहीं है, क्योंकि अगर आप ये स्टेप नहीं करते हैं तो आपको क्या होता है कि फ्यूचर में काफी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे शेयर ट्रांसफर करने हो या शेयर कहीं पे दिखाने हो कि आप कंपनी में ओनर है। तो इससे बेटर है कि आप हैंड टू हैंड ही शेयर अलॉटमेंट करें, जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके शेयर फॉर्मेट है, ये सॉफ्ट कॉपी में भी होते हैं पीडीएफ में, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना, ये आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो शेयर अलॉटमेंट आपको करना है, जितने भी सब्सक्राइबर है आपकी कंपनी में सबको शेयर अलॉटमेंट करना है, उनकी नंबरिंग करनी है, स्टैंपिंग करनी है कंपनी की, आपको ये स्टैंप बनवा लेनी है, उसके बाद ही शेयर अलॉट करने हैं, डायरेक्टर्स के भी साइन होते हैं इसमें। शेयर अलॉटमेंट करने के बाद जितने भी सब्सक्राइबर जिन्होंने शेयर कैपिटल जितने जितने अमाउंट के शेयर लिए हैं वो अमाउंट उनको बैंक में ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि जब कंपनी शेयर अलॉट करेगी उसके बाद जो है सब्सक्राइबर बैंक में पैसा ट्रांसफर करेंगे तभी वो बैंक अकाउंट में कंपनी का आएगा, वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, आपको सर्टिफिकेट लेना होता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक सर्टिफिकेट है, इसका जो टाइम होता है वो होता है 180 डेज। अगर आप 180 डेज के अंदर
ये सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं तो फिर इस फॉर्म की जो है पेनल्टी भरनी पड़ती है, जो कि काफी हाई हो गई है आजकल। तो आप अपनी कंपनी में ध्यान रखें कि 180 डेज के अंदर अंदर ये सारी एक्टिविटी आप कर लें, और सर्टिफिकेट ऑफ जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है ये INC 20A के अंदर में फाइल होता है, ये जरूर करा लें। इसका जो पीरियड है मैं आपको लिख देता हूँ, जिस दिन आपका कंपनी अप्रूव होती है उसके 180 डेज के अंदर जो है आपको ये फॉर्म फाइल कर देना है। अदरवाइज फिर जब आप लेट फाइल करेंगे तो आपको जो है इसमें पेनल्टी लगेगी। मतलब ऐसा होता है कि शेयर कैपिटल जो होती है उतना शेयर कैपिटल, उसके अकॉर्डिंग ही इस फॉर्म की फीस आती है, जैसे 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, अलग अलग जितनी भी कैपिटल हाई होती जाएगी फॉर्म की फीस जो है उसी तरह से बढ़ती जाएगी। फीस कितनी लगती है आप जो है चेक कर सकते हैं एनसी की वेबसाइट पर। फिर इसके बाद जो है अगला स्टेप आता है कि आपको अपनी कंपनी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना होता है, क्योंकि कंपनी में जो ऑडिट करने के जो राइट्स हैं वो एक्सक्लूसिवली ऑडिटर्स के पास होते हैं, तो सीए है उनके पास होते हैं, सीओपी होल्डर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनको आपको एज ए ऑडिटर अपॉइंट करना है। ADT 1 एक फॉर्म होता है, ADT 1 के थ्रू अपॉइंटमेंट करना होता है। फॉर्म कैसे फाइल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच हो गए, इसके साथ क्या क्या आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ये भी DSC के थ्रू ही होगा। वो वीडियो जो ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, INC 20A कैसे फाइल करना है उसकी भी वीडियो मिलेगी आपको। इसमें क्या होता है कि INC 20 के अंदर आपको हेल्प चाहिए होती है कि जो प्रोफेशंस होते हैं CA CS CMA COP होल्डर, उनके ही साइन के थ्रू ये फॉर्म फाइल होता है, क्योंकि वो सर्टिफाई करते हैं कि ट्रांजेक्शन प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई है, शेयर अलॉट हो गए हैं और बैंक में पैसे भी उनका रिलेटेड आ गया है। ठीक है, ऑडिटर अपॉइंटमेंट का जो फॉर्म ADT 1 होता है वो किसी भी डायरेक्टर के DSC से फाइल किया जा सकता है, उसमें किसी की हेल्प लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, बट इसकी टाइम लिमिट होती है कि within 30 days, बोर्ड मीटिंग में within 30 days होता है, अदरवाइज फिर 30 days के अंदर, 30 days यहाँ पर काउंट करेंगे कंपनी इनकॉर्पोरेशन की डेट, जिस दिन आपको COI मिला है तो वहां से 30 days काउंट होंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको EGM के थ्रू अपॉइंटमेंट करना होगा। अगर आप EGM के थ्रू भी नहीं करते हैं, EGM की आपकी डेट आ जाती है, तो फिर इस फॉर्म की भी लेट फीस पेनल्टी स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक स्टेप है कंपनी इनकॉर्पोरेशन का ही, आप इसको स्टेप लेके चलें कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लें, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करें। ठीक है, इसके बाद इसके साथ साथ ही आप अपना जो आपका पैन नंबर और टैन नंबर मिला है उसको आप जो है इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर करा ले। ये किसी भी मतलब इसमें DSC रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर के थ्रू सिंपल सा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। आप कंपनी का पैन एंटर करें, उसका इनकॉर्पोरेशन की जो डेट है वो एंटर करें और उसको रजिस्टर करके रख लें, क्योंकि बाद में क्या होता है कि जब इसकी आपको ईयरली ITR फाइल करनी होगी, जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे उस टाइम पे क्या होगा कि कभी पैन वैलिडेशन की प्रॉब्लम आती है, कभी किसी तरह की, तो हैंड टू हैंड अगर आप रजिस्ट्रेशन करके रख लेंगे लॉगिन आईडी पासवर्ड, तो यही ID पासवर्ड आपके बाद में भी काम आएगा। ठीक है, 19 नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है, ईयरली कंपनी की ऑडिट होगी, तो ऑडिट आप कराएंगे, उसके बाद आप ROC की फाइलिंग करेंगे। ऑडिट हो गई, ऑडिट के बाद ITR फाइल कर दिया आपने, ITR फाइल करने के साथ साथ आपको ROC की फाइलिंग करनी होती है, AOC 4 और MGT 7 दो फॉर्म फाइल करने होते हैं। अगर स्मॉल कंपनी की बात करें या फिर 1% कंपनी की बात करें तो AOC 4 MGT 7 से काम चल जाता है, इसके अलावा भी कुछ अदर फॉर्म्स होते हैं। बाकी ROC की फाइलिंग के लिए दोनों फॉर्म किस तरह से आपको भरने हैं, ADT 1 कैसे फाइल करना है, ये पूरा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। दोनों के फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच होने हैं, ये एनुअल फाइलिंग के दो फॉर्म होते हैं, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे वो भी सारे आपको मिल जाएंगे। किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड हो या कोई भी फॉर्मेट चाहिए हो तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, आपको ईमेल पर मिल जाएगा। ये दोनों फॉर्म का आप ध्यान रखें, ये खुद से आप फाइल कर सकते हैं, इसमें डायरेक्टर किसी भी डायरेक्टर के DSC के थ्रू आप फाइल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर ऑडिट जो है आपको CA से ही करानी होगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन आपने करा लिया, उसके बाद ये 2-3 स्टेप और रह जाते हैं, ये भी आप कंप्लीट करके रखें। ईयरली आपका जो कंप्लायंस है वो आप कंप्लीट करें टाइम से, क्योंकि आजकल जो फॉर्म की जो फीस है वो इन्होंने दोबारा से फिर से इंक्रीज की है, 6 times ज्यादा फीस अभी लेने लगे हैं। तो अगर आपने कंपनी में फाइलिंग नहीं कर रहे हैं आप हर साल, आप लेट फाइलिंग करते हैं, तो इसकी जो है 100 rupees पर डे के हिसाब से, फॉर्म के हिसाब से ये जो फीस है ये बढ़ती चली जाती है, जो भी नॉर्मल फीस होती है, और ये मल्टीप्लाई होती रहती है 2 times, 3 times, 5 times, 6 times। तो ये 18 times जो नया अभी जो प्रोविजन आए हैं ये 1st of April 2022 से अप्लाइड हो जाएंगे। 18 times तक आपकी जो फीस है लेट फीस वो जा सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपने टाइमली इसको कम्प्लाइंट नहीं किया तो
ये जो लेक्स में फीस आ जाएगी इसकी, तो ईयरली आप दोनों कंप्लाइंस करें, आईटीआर भी फाइल करें और आरओसी की फाइलिंग करें, एटलीस्ट एओसी 4 MUT 7 आप चेक कर लेगी आपके फाइल हुए हैं या नहीं हुए हैं। एमसीए पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आ जाते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में, कोई भी मिनिमम सी 100 रुपीज की फीस पे करके डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड भी कर सकता है, वेरीफाई भी कर सकता है, किसी भी कंपनी की आप ये कर सकते हैं। तो हमारा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने पूरा आपको प्रोसेस बता दिया कंपनी के, क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, और थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर यह भी बता दिया कि क्या क्या फाइलिंग्स आपको करनी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। ये मेरा चैनल है, इसमें प्लेलिस्ट जैसे कि मैंने बताया था काफी कुछ आपको मिल जाएगा, क्योंकि तो आपके हो सकता है आपके काम का हो, तो आप इनको देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।